जब हमने प्लान बनाया कि हम हैदराबाद जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 6-7 दिन थे, तो हमें आसपास अब कहाँ पे जाना है। तो या तो एक हमारे पास ऑप्शन था कि हैदराबाद के आसपास के पास कुछ डैम्स हैं, नागार्जुना डैम वगैरह, या और 2-3 लोकेशंस हैं जहाँ जो कि 100 किलोमीटर्स की रेंज में हैं, तो वहाँ जाया जा सकता है। या एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि एक बार एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें हम्पी का नाम आया था, और उस पॉडकास्ट को सुनते हुए 2 चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी थी। एक तो उसने मुझे बताया था कि मुझे क्या मतलब, उसने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि ये एक ऐसी जगह है जो एक ओपन म्यूज़ियम की तरह है। मतलब इतने मॉन्यूमेंट्स हैं, इतने मतलब कई किलोमीटर्स के एरिया में कई मंदिर एक्सकवेट किए गए हैं और वो आज भी उसी फॉर्म में हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी थी कि हम्पी जो थी वो विजयनगर डायनेस्टी जो 200 साल तक जिन्होंने राज किया था साउथ रीजन में, डेक्कन रीजन की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी जिसने 200 साल राज किया, और हम्पी जो थी वो उसकी कैपिटल थी, और इंडिया की नहीं वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सिटी। तो ये 2 चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मैंने अपने घर पे प्रपोज किया कि हम हम्पी जा रहे हैं, तो उन्होंने भी हम्पी का नाम नहीं सुना था। बट रियल में ये प्लेस कितनी रिच थी हिस्ट्री। टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो विजयनगरीय डायनेस्टी पावरफुल कब हुई, तो 13 सेंचुरी में जब चालुक्यज एम्पायर गिरी तो पूरा सदर्न रीजन एक तरह से विदाउट लीडर हो गया, और वहाँ पर बहुत सारे किंगडम्स फैल गए, मतलब छोटे छोटे राजा वहाँ पर राज करने लगे। और वही टाइम था जब 13th या 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर हुआ करता था का कफूर मलिक। तो कफूर मलिक साहब जो थे ये बड़े ही स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल आदमी थे और बड़े स्टेट्समैन टाइप के आदमी थे। ये साउथ की तरफ आए, और तब उस टाइम पे ज़्यादातर जो इन रीजन के पास फौजें हुआ करती थीं वो इन्फेंट्री टाइप फौजें हुआ करती थीं। इन्फेंट्री फौजें वो होती हैं जो कि पैदल चलती हैं, जिनमें कोई भी घोड़े पे नहीं बैठता। तो कफूर मलिक जो था वो ऊपर नॉर्दर्न इंडिया से सदर्न इंडिया में आया, और वो मुगल्स का कमांडर था, अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था। उसके पास कैवलरी यूनिट्स थी। अब कैवलरी यूनिट्स वो होती हैं जिनके पास घोड़े होते हैं। अब और कोई तरह का, किसी के पास हाथी है या और कोई एनिमल पे अगर कोई आप बैठ के अटैक कर रहे हो तो कैवलरी यूनिट नहीं होती, लेकिन घोड़ा जिसमें होता है वही कैवलरी यूनिट कहलाती है, और वो बहुत तेज़ अटैक करती है। जब घोड़े पे बहुत सारे लोग आपकी तरफ, इन्फेंट्री यूनिट्स या पैदल चलने वाली सैनिकों की तरफ आते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा इस तरह की कैवलरी यूनिट्स कफूर मलिक के पास हैं, तो ये जो सदर्न राजा थे ये काफ़ी घबरा गए, और इन्होंने अपना, जैसे एक तरह से कफूर मलिक को काफ़ी टैक्स देना शुरू कर दिया, अपनी ज्वेलरीज देना शुरू कर दिया, अपने हीरे जवाहरात देना शुरू कर दिया, अपने एनिमल्स देना शुरू कर दिया। तो वो जो सदर्न रीजन की डायनेस्टीज, जो छोटे छोटे रीजन्स और छोटे छोटे राजा पैदा हो गए थे, वो और वीक हो गए, और उस टाइम पे ये विजयनगर डायनेस्टी काफ़ी पावरफुल बन के आई, क्योंकि इनका थोड़ा सा रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट भी था, और एक पंपा देवी, जैसे पंपा नगर या पंपा का नगर या पंपा प्लेस भी कहते हैं जो हम्पी है उसको कहते हैं। तो इस रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से और रीजन्स इन्होंने इनके सामने ऐसे तरह कहा कि ठीक है हम आपको राजा मानते हैं, या इन डोमिनेट होना शुरू हो गए विजयनगरीय डायनेस्टी। तो ये थी विजयनगरीय डायनेस्टी की थी एक तरह से हिस्ट्री। और ये पूरे चालुक्याज और सारी डायनेस्टीज ही जो थी, जो यादवाज, इनको एक बड़ा शौक था मंदिर बनवाने का। मंदिरों में ही बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे, इसलिए हम जब साउथ की तरफ जाते हैं तो हमें इतने मंदिर नहीं दिखा, नॉर्थ में इतने मंदिर नहीं दिखते, लेकिन जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो
तो क्योंकि ज़्यादातर ये रीजन इन्हीं डायनेस्टी से डोमिनेट हुआ है सिंस 130 एडी टू 15 एडी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं और मंदिर अपने आप की वहाँ पर जो दुकानें थी आज भी वो मार्केट्स हम्पी में डबल मार्केट जैसे डबल शेप की दुकानें कहीं नहीं होती, तो पत्थर के बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और वहाँ पे आज भी दुकानें हैं। बल्कि एक उस हमारे पास एक किताब हमने खरीदी वहाँ से, उसमें उस मार्केट का एक फ़ोटो भी है जो मैं यहाँ इस ब्लॉग में जरूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये देखिए ये मार्केट इस तरह से होता था, ये मंदिर है और ये सारी दुकानें हैं और ये उस समय वहाँ था। और उस समय गाइड ने बताया कि इतने हीरे जवाहरात थे इन लोगों के पास कि हीरे जवाहरात ऐसे एक एक करके उसकी कीमत नहीं लगाई जाती थी, बल्कि शेर में तोल के, जैसे शेर एक यूनिट होता है जैसे केजी मिलीग्राम, तो शेर चलता था, शेर में डायमंड्स को तोल के व्यापार होता था। तो और इस हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस भी माना जाता है और यूनेस्को की कई साइट्स और कई मंदिर यहाँ पे हैं और रियल में ये एक अमेजिंग प्लेस है। और जब आप जाते हैं इस तरह के ओपन म्यूजियम में तो आपको लगता है जैसे कि एक जुरासिक पार्क में आ गए हों आप लोग। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये जगह देखें। और लोकेशन वाइज ये जगह जो पड़ती है ये वैसे तो कर्नाटका में है और कर्नाटका और ये पड़ती है आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, तो इसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है क्योंकि बेंगलोर से भी 350 किलोमीटर है, हैदराबाद से भी 350 किलोमीटर है और कनेक्टिविटी बसेस से है, लेकिन रियल में ये प्लेस वर्थ देखना है। और आज जब हम देखते हैं कि हमारे 50 के नोट पे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटो है, जैसे 100 के नोट पे हम देखेंगे तो एक रानी का वाव है, रानी का वाव मीन्स स्टेपल है जो गुजरात में, उसकी फ़ोटो है। और 50 के नोट पे ये एक स्टोन चैरियट है जो विठला मंदिर में है और इसकी फ़ोटो 50 के नोट पे है। तो बहुत कमाल की प्लेस, रियली अमेजिंग ट्रिप। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हम वापस जयपुर जा रहे हैं और बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो मैंने कहा एक हम्पी का एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। थैंक्स। ये है पूरा विरूपाक्षा बाजार। इस समय मैं इन सीढ़ियों पे खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सामने वो विरूपाक्षा टेम्पल दिख रहा है, ये मोनोलिथिक। ये है हजार रामा मंदिर। इसी खासियत के दीवारों पे, बाहर की दीवारों पे पूरी रामायण जो है उसके स्कल्पचर बने हुए हैं छोटे छोटे, और स्पेशली लव कुश वाला एपिसोड जो है ना उसकी मूर्तियाँ निकली हुई। बड़ा यूनिक मंदिर है। ये देख हनुमान जी आ गए, ये वो देख ऊपर पूरा वॉर। माल्यावन टेम्पल जहाँ राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में जब आए तो इस जगह पर बारिश के टाइम पे रुके। ये बड़ी रॉक्स को कहते हैं बोल्डर्स, जो पहाड़ी होती ना बोल्डर कहते हैं इसको। कम गाइस। जब राम लक्ष्मण सीता की खोज में यहाँ पे आए किशिकिंदा में, तो यहाँ पर बारिश हो गई थी, वर्षा काल में रुके ना, तो बारिश हो गई थी तो वो यहाँ पे रुके थे। और इसका नाम है क्या नाम है, मालावंत टेम्पल।
उसके बाद इसमें लकड़ी डाल दी जाती है और उसके बाद लकड़ी में पानी डाल दिया जाता है, लकड़ी फूलती है और उससे रॉक फूलती है। छोटा सा छोटी सी आशा, छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। हम्पी में और मेरे पीछे है वो स्टोन चैरियट, फेमस हम्पी का स्टोन चैरियट, जो जिसकी फोटो इस 50 के नोट पे है। ये हम्पी का फेमस चैरियट, स्टोन चैरियट। और यहाँ सामने एक विष्णु टेम्पल है, यहाँ दिखाओ, यहाँ एक सामने एक विष्णु टेम्पल है। विष्णु टेम्पल के फ्रंट में यूजली गरुड़ की फोटो होती है, लेकिन यहाँ पर ये स्टोन चैरियट है जिसके ऊपर अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं, अलग अलग पिक्चर्स हैं पर्शियंस वगैरह की, और ये कोणार्क टेम्पल से इंस्पायर्ड है। टाइम पे उठाए कैसे गए होंगे, एक एक को रखने के लिए कैसे रखा गया होगा। और यहाँ बैठ के मुझे लगता है कि बाहुबली के सेट बनाने का जो आइडिया है राजा मौली को यहीं से आया होगा। हम देख सकते हैं कि जो हमने वो सेट्स जो बाहुबली का सेट देखा, तो उस सेट में कुछ कुछ ऐसे ही लग रहे थे, उनका कलर, उनका डिज़ाइन, उनके कार्विंग जो थी वो एक सेट्स थे, जबकि ये चैम्बर। Gajayali, the baby elephant, the cry, peacock tongue, so lion body,
Lion body, yes. Big elephant trunk, cut karke rakha hai. Dragon face. Dragon, हाँ. Rabbit का काम. So इतना सुंदर carving बनाया, मतलब राजा लोग आते हैं उसको welcome करने की. हम आए हुए हैं विरूपाक्ष टेम्पल जो कि हम्पी में है और लॉर्ड शिवा का ये टेम्पल है जिनकी कंसोर्टियम थी पंपा देवी और उनकी याद में ये बनाया गया है. और इस मंदिर की खासियत ये है कि कोई भी मंदिर का गेट जो होता है वो उनमें सबसे बड़ा गेट इसका है, इसको कहते हैं गोपुरम. ये यहाँ पे भोजनशाला हुआ करती थी जहाँ पर सैनिक और कोई फंक्शन होता था तो लोग बैठ के खाना खाते थे और ये कैनाल यहाँ से जाता था. खाना खाने के बाद यहाँ से ये साफ कर दिया जाता था. इस तरह के ये पत्थर की शेप है और वहाँ तक कैनाल आ रहा है. बड़ा रेयर चीज. Collecting system. हॉस्पिट हम्पी में जो हमें रूम मिला है वो एक बड़ा ही अच्छा रूम है. अभी तो इसकी हालत हमने काफ़ी ख़राब कर दी है लेकिन सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगी है यहाँ की इस रूम की वो है ये विंडो. इतनी बड़ी विंडो मैंने आज तक किसी भी होटल के रूम में नहीं देखी है और इतना अच्छा बड़ा विंडो होने की वजह से इतना अच्छा व्यू दिखता है कि पेंटिंग की तरह लगता है और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे बैठने में. और यहाँ का स्टाफ भी बड़ा कर्टियस है. तो ये है वो विंडो व्यू. ओ सॉरी आप आना नहीं चाहते. ये देखिए. और एक और अच्छी इस होटल की बात जो मुझे लगी वो ये है कि यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक बांसुरी बजाने वाला आता है और यहाँ से मतलब ब्रेकफास्ट करते करते बांसुरी का मज़ा ही कुछ और होता है. पूरे होटल में ये बांसुरी का वो गूंजता है जो बड़ा ही सुरमई और सुरीला होता है. और ये यहाँ से बांसुरी बजाते हैं और पूरे होटल की ऊपर तक बिल्डिंग में आवाज़ सुनाई देती है. ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी. ला 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 ला. किया तुमने क्या इशारा छू कर मेरे मन को तूने किया क्या इशारा बदला ये मौसम ला 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 छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा.